और बिहार में सिपाही बहाली परीक्षा आज हो रही है। सिपाही बहाली परीक्षा का आज अंतिम चरण है। सुबह 10:30 बजे तक छात्रों को एंट्री दी जाएगी। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक परीक्षा होनी है और परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को एंट्री दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा से संबंधित। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक परीक्षा होनी है। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर ये बड़ी खबर। सुबह 10:30 बजे तक छात्रों को एंट्री मिलनी है। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ये परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और जांच के बाद ही एंट्री मिलेगी। और इस बीच झारखंड की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चंपाई सोरेन आज रांची आएंगे। आज दोपहर 2:10 पर रांची आएंगे। दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट से पहुंचेंगे और आज ही जेएमएम छोड़ सकते हैं। सूत्र बीजेपी में जाने का ऐलान कर दिया है। आज दोपहर 2:10 पर रांची पहुंचेंगे और उसके बाद सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि आज ही वो जेएमएम से इस्तीफा देंगे, पार्टी से इस्तीफा देंगे और बीजेपी का दामन थामने की तारीख 30 रखी गई है। बीजेपी में जाने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है और इसी के मद्देनजर तैयारियां लगातार जारी हैं और इसी कड़ी में आज चंपाई सोरेन राजधानी रांची पहुंच रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि उनकी तरफ से आगे कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं। और झारखंड में जारी सियासी उठापटक के बीच चंपाई सोरेन का बीजेपी में जाने के ऐलान के साथ ही पूर्व सीएम को लेकर पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। मंगलवार को दिल्ली में चंपाई सोरेन ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पर उन्हें काफी भरोसा है। वैसे चंपाई की पाला बदलने को लेकर सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई है। देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का उनका विश्वास, उनका ऊपर विश्वास किया। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया। बीते कुछ दिनों से झारखंड का सियासी तापमान बरसात के मौसम में भी गर्म है। करीब 10 दिन से चले आ रहे प्रदेश के सबसे बड़े सियासी सस्पेंस पर से पर्दा उठ गया है। जेएमएम के संस्थापक सदस्य शिबू सोरेन के बेहद करीबी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जेएमएम को टाटा बाय बाय कर दिया है। चंपाई अब बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। दिल्ली में अपनी सियासी रणनीति का खुलासा करते हुए चंपाई ने कहा कि वो 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। पीएम मोदी पर चंपाई सोरेन ने भरोसा जताते हुए ये बड़ा ऐलान किया। झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का उनका विश्वास, उनका ऊपर विश्वास किया। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। हम और हमारा लड़का जो बाबूलाल सोरेन, वो बाद में बताएंगे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा ने सोमवार की देर रात अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दे दी थी। इसके बाद से चंपाई को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया। 28 अगस्त को चंपाई दिल्ली से रांची पहुंचने वाले हैं। 28 अगस्त को ही उनके जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता और मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा देने की चर्चा है। उसके बाद 30 अगस्त को औपचारिक तौर पर वे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर।